सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से खेलने वाले हैं द सेम गेम नेम RC22। और ये मैच गाइस क्राउन 4 के बंदे के साथ होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर मैच है, लो स्कोरिंग मैच होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर होगा। लास्ट ओवर का अलग ही लेवल का सीन होने वाला है। तो गाइस ये वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा भरपूर आएगा। और यहाँ पर टॉस भैया हम कुछ कहेंगे ही नहीं। और यहाँ पे भाई फिलहाल देखते हैं किस तरह की हमारी बॉलिंग रहती है, क्योंकि हमें मिली है सबसे पहले बॉलिंग। तो गाइस हमारी पहली गेंदबाजी करेंगे राधा कृष्णन। तो यहाँ पे पहली गेंद कैरम करेंगे। आई होप यहाँ पे अपोनेंट को फंसाने में हम कामयाब रहे, लेकिन देखते हैं क्राउन 4 पे अपोनेंट। तो भाई ये शॉट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगली गेंद फिर से हम देखते हैं। इस बार बॉल को अंदर लेके आएंगे हम, और आई होप यहाँ पे एक विकेट मिल जाए अपोनेंट की। यहाँ पोजिशन शायद गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है भाई, बढ़िया शॉट खेल दिया है। 156 गोल शॉट, और यहाँ पर मिल गया चौका, कमाल का शॉट है ये। चलो गाइस इस बार कैरम करते हैं, बॉडी के करीब रखते हैं बॉल ताकि अपोनेंट 156 नहीं खेल पाए। लेकिन पोजीशन कर लिया है, 156 का खेला भी है, लेकिन फील्डर वहाँ पे हैं। जब तक गेंद थ्रो करेंगे दो रन लेने का मौका है। और भाई मेलबर्न में दो रन लेना कोई भी बड़ी बात नहीं है भाई, कहीं से भी आप मतलब दो रन ले सकते हो, कहीं से नहीं मिले लेकिन मैक्सिमम जगह से आप दो रन ले सकते हो। यहाँ पे मिलेगा विकेट, पहला विकेट आता हुआ। चलिए राधा कृष्णन एक अच्छी गेंदबाजी, मतलब गेंदबाज माने जाते हैं और गेंदबाजी करते भी हैं, अगर आप उनकी गेंदबाजी का अच्छे से इस्तेमाल करोगे तब। अब गाइस यहाँ पे हम लेग स्पिनर की भाई पहली गेंद करने वाले हैं, बिल्कुल धीमी गति की। तो देखते हैं भाई किस तरह गति है। राशिद है बॉलिंग पे, आदिल राशिद, और ये लीजिए बीट कर दिया भाई, क्या कमाल की भाई। मेलबर्न का भाई अलग ही सीन रहता है। इस बार हम थोड़ी सी आगे बॉल को रखे हैं और गेंद में थोड़ी सी गति ज़्यादा दी है, और 431 बीट हो गए हैं भाई। यही होता है भाई, लेग स्पिनर का फ़ायदा यही होता है, अपोनेंट भाई गेस ही नहीं कर पाएगा और इसी तरह से डॉट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आखिरी गेंद हम करने वाले हैं, पावर प्ले में 13 रन बने हैं, एक और चौका। तो भाई कुल मिला के 17 रन बने हैं पावर प्ले के अंदर से। अपोनेंट का भाई दो ओवर में 17 रन बने हैं और एक ही विकेट गया है। आई बटलर तीसरा ओवर लेके आए हैं और इस बार बीट कर दिया भैया, बिल्कुल बढ़िया गेंद। इस बार थोड़ी सी हम गलत गेंद कर बैठे हैं, शॉट अच्छा लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथ में, जब तक थ्रो करेंगे ही नहीं भाई सिंगल भी नहीं मिलेगा। वाइड यॉर्कर, और ये शॉट देख लो गाइज, ये शॉट देख लो, 514, ये है गोल शॉट गाइज, यहाँ पे मिलेगा चौका, बहुत ही ज़बरदस्त गोल शॉट है। नहीं है आपके पास तो अगर चाहते हैं खरीदना तो खरीद सकते हैं। हैंगरगर को लेके आए, चौथा ओवर, रिवर्स गेंद होगी और गति भी तेज़ रखी हमने। कहीं ना कहीं यहाँ पर अपोनेंट का एक नहीं भैया 166 खेला है, जब तक गेंद थ्रो होगी दो रन लेने का मौका है। अपोनेंट यहाँ पे दो रन पूरा भी करेगा लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई है, और इसी बीच यहाँ पे अपील करी गई है एम्पायर की, हाथ हवे में, यानी कि मिलेगा हमें विकेट। कुल मिला के भाई रन आउट के रूप में हमें एडम मार्करम का विकेट मिला है। और इस बार भाई बहुत बढ़िया शॉट, 443 खेला है, जब तक गेंद थ्रो होगी दो रन लेने का मौका है, और इसी के साथ 30 रन बना दिया अपोनेंट ने। और भाई हम सबको पता है कि मेलबर्न ग्राउंड में भाई हाई स्कोरिंग मैच होना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि भाई परफेक्ट टाइमिंग के बाद भी आप सीधे कैच हो जाओगे, ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं। आपको दिखाएंगे भाई हमारे साथ भी कुछ हुए हैं। तो यहाँ पे भाई बीट कर दिया अपोनेंट, काफ़ी टर्न मिल रही है बॉल में। तो गाइज यहाँ पर इस बार स्लोअर वंस रखे हैं हम, और देखते हैं भाई अपोनेंट किस तरह की गेंद खेलते हैं। आखिरी ओवर सैम करन कर रहे हैं, यहाँ पर स्लोअर वंस बॉल, ए शॉट अच्छा है लेकिन जब तक गेंद थ्रो होगी दो रन लेने का मौका है, और अपोनेंट यहाँ पे दो रन पूरा भी करेगा। तो गाइस कुल मिला के अच्छी गेंदबाजी हो रही है सैम करन के द्वारा, पहली गेंद तो अच्छी हुई। इस बार फिर से फुल लेंथ पे बॉल, ये शॉट कमाल का है भाई, गजब की टाइमिंग, गजब का पोजीशन, सीधे मिलेगा 6 रन, 514 नंबर शॉट, बहुत बढ़िया है भाई। इस बार चौथी गेंद, तो इस बार बीट कर दिया, पोजीशन नहीं कर पाया अपोनेंट, यहाँ पे इनको लगा रिवर्स गेंद होगी लेकिन सैम करन के पास रिवर्स है ही नहीं। ये भी बहुत बढ़िया शॉट है गाइस, मेलबर्न के लिए बहुत बढ़िया शॉट, आप लोग 308 के लिए जाते होंगे लेकिन मेलबर्न में ये शॉट बहुत ही कमाल का है। तो गाइस 51 रन बनाए हैं अपोनेंट ने, मात्र दो ही विकेट गई थी उनकी, और हमें चलिए देखते हैं भाई किस तरह की हमारी बल्लेबाजी होती है। 52 रन का टारगेट हमें मिला है, और कहीं ना कहीं हमें दिक्कत भी हो सकता है क्योंकि ये है मेलबर्न का ग्राउंड। इस बार देखते हैं ये शॉट, देखो गाइस क्या है, एज लग रहा है, अलग ही सीन है भाई। शादाब खान भैया बहुत ही बढ़िया लेग स्पिनर हैं, इनकी भाई लेग स्पिन अलग लेवल की होती है। इस बार बढ़िया शॉट, इस शॉट देख लो, 303 नंबर का शॉट, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट सिक्स, क्या ज़बरदस्त शॉट था ये। इस बार देखते हैं यहाँ पे बीट कर दिया, बाउंसर गेंद थी भाई, कमाल की बाउंसर, और यहाँ पे हम थोड़ी सी भाई दूध लेने चले गए थे, दूध वाले भैया आ गए थे, और इसी बीच यहाँ पे देख सकते हो भाई हमने मतलब छोड़ दी थी मैच को, और दूध लेने के चक्कर में भैया हमारी दो गेंदें डॉट हो गई थी।
चलो गाइज कोई बात नहीं, अगली गेंद देश भी यहाँ पे सीधे हाथ में, बिल्कुल हाथ में, और इसी के साथ आउट होते हुए भाई हम टाइमिंग ही नहीं कर पाए भाई, और टाइमिंग नहीं होगी तो भाई आउट होगा। और यहाँ पे जो क्राउन का बंदा है भाई ऐसे ही नहीं पहुँच गया भाई, काफ़ी तगड़े तगड़े स्किल भर के रखे हैं भाई, और एक से बढ़ के एक गेंदबाज है भाई इसके पास, हेंगरकर हैं, राधा कृष्णन है, क्या शादाब खान है भाई, एक से बढ़ के एक गेंदबाज, कोई भी आपको नॉर्मल गेंदबाज नहीं मिलने वाला है इसके पास। एक भाई इब्राहिम जो है वो यहाँ पे बढ़िया शॉट है, बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे भाई, चौका मिलेगा बिल्कुल 156 है ना, काफ़ी हद तक सही शॉट है, आपको ये स्पोर्ट में काफ़ी हद तक ये बेनिफिट भी देगा। ये फिर से खेला है सेम शॉट और फिर से सेम रिजल्ट होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे भैया रन कहीं ना कहीं 13 बॉलों में भाई 30 रन बनाने हैं, और ये शॉट अच्छा है भाई, एक बार टाइमिंग देखो, एक बार टाइमिंग देख लो भाई इधर की भाई, ग्राउंड भी छोटी है, परफेक्ट टाइमिंग पे भाई आउट दे दिया, और ये छक्का भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा कीमती पड़ने वाला है, जो मतलब गया नहीं है, आउट हो गया भाई, सीधे कैच आउट, परफेक्ट टाइमिंग बीचों बीच की में, तब भी भाई आउट दे दिया। इस बार 578 बल्ले का एज लग जा रहा है भाई, अलग ही सीन चल रही है, यहाँ पे 2 ही रन मिलेगा। कुल मिला के हेंगरकर भाई अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन हम कूटेंगे इनको भाई, इनको हम कूटेंगे बिल्कुल। ये शॉट देख लो, ये शॉट देख लो गाइस, सीधे 6 रन मिलेंगे, बहुत बढ़िया शॉट, छक्का आ चुका है इस बार, गुड लेंथ पे बॉल, और ये 578 गैप में है क्या? नहीं भैया गैप में तो नहीं है, लेकिन 3 रन लेने का मौका है तो हम 3 रन पूरा भी कर लेंगे आसान तरीके से, जब तक गेंद थ्रो होगी। तो गाइस कुल मिला के देखा जाए तो अब तक अपोनेंट ने काफ़ी हद तक अच्छी गेंदबाजी करी है, और इस बार 295 थोड़ी सी हम अर्ली खेल दिए, क्योंकि मीडियम गेंदबाज को टाइमिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है अभी के टाइम में देखा जाए तो। तो चलो गाइस देखते हैं इस बार क्या होता है। ये शॉट बढ़िया नहीं है भैया, टाइमिंग नहीं हो पाई, शॉट तो काफ़ी हद तक बढ़िया था लेकिन टाइमिंग करना बहुत ज़रूरी है। मिथुन का बिगड़ जाता हुआ आखिरी गेंद इस ओवर की, लेकिन ये शॉट कमाल का है भाई, कमाल का शॉट, सीधे 6 रन मिलेंगे यहाँ पे, एक और छक्का। अब भाई आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए, यानी कि 6 बॉलों में हमें 13 रन बनाना पड़ेगा, और ये तीसरा स्पिनर लेके आया भाई अपोनेंट क्राउन पे के होने के बाद भी भाई। चलो गाइस कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 ही रन लेंगे हम, और इसी के साथ अब 11 रन बनाने हैं हमें 5 बॉलों में, 5 बॉल 11 रन, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन मेलबर्न है तो कुछ भी मुमकिन है बिल्कुल। ये दौड़ जाता हुआ अब 4 बॉलों में 11 रन, कहीं ना कहीं भाई रिस्क बढ़ता हुआ। अगली गेंद ये शॉट अच्छा है, बिल्कुल गैप में गई ये गेंद, तो यहाँ पर मिलेगा चौका। अब 3 बॉलों में गाइस 7 रन बनाने हैं, मात्र 3 गेंदे 7 रन, तो गाइस ये शॉट बढ़िया है लेकिन जब तक गेंद थ्रू होगी 2 रन लेंगे हम किसी भी कीमत पे, 2 रन तो भाई छोड़ने वाले नहीं है। अब आखिरी 2 गेंदों में गाइस हमें चाहिए 5 रन, 2 गेंदों में 5 रन, लिटरली गाइस ये शॉट अच्छा है भाई, यहाँ पे मिलेगा चौका, क्या क्या एक बाउंड्री, बिल्कुल नहीं भैया बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई, मेलबर्न है ये, मैं भूल गया था, और यहाँ पे 2 रन। अब आखिरी बॉल पे 3 रन, क्या लगता है गाइस हम जीतेंगे कि नहीं? आखिरी बॉल 3 रन, अपोनेंट भाई यॉर्कर ही करेगा यार, यॉर्कर ही करेगा, और हमने शॉट अच्छी खेली है, टाइमिंग भी अच्छी हुई, लेकिन भाई अलग ही सीन बन चुका है, टाइमिंग देख सकते हो थोड़ी सी बस इधर उधर हुई और यहाँ पे विकेट, और इसी के साथ गाइज अपोनेंट 2 रनों से इस मैच को जीत चुका है जो कि क्राउन 4 पे था। वीडियो कैसी लगी गाइज कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल पर नए हो गाइज तो एक लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो तगड़े तगड़े आपको हर रोज़ देखने को मिलता रहे, और काफ़ी कुछ भी आपको देखने को मिलेगा गाइज।